अप्रैल और मई के महीने में सूरज की तपिश की जगह मेघ मल्हार ने मौसम चक्र को बदल दिया है। अप्रैल मई के महीने ऐसी बारिश पहले कभी देखने को नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि गर्मी के मौसम में कभी बारिश नहीं हुई, मगर ऐसी बारिश कि गर्मी का मौसम ही पता ना चले, ऐसा शायद ही कभी पहले हुआ हो। मार्च के दूसरे पखवाड़े के बाद से मौसम ने जो करवट बदली है कि ठंड के बाद सीधा बरसात का मौसम आ गया। इस बीच ग्रीष्म ऋतु स्किप हो गई। मौसम विभाग के अनुसार इस साल पश्चिमी भारत को छोड़कर हर राज्य में मई के पहले सप्ताह तक ऐसा ही माहौल बना रहेगा। बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और गर्मी के मौसम में ठंड का एहसास होता रहेगा। मई के कुछ दिन गर्मी भरे होंगे, मगर जून के पहले सप्ताह से ही प्री मॉनसून एक्टिव हो जाएगा, यानी इस साल गर्मी पड़ेगी ही नहीं। राजस्थान में वर्ष 2021 में 25 अप्रैल को सभी शहरों में दिन का पारा 40 से 44 डिग्री सेल्सियस था। वहीं 2022 में 25 अप्रैल को सबसे अधिक दिन का तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस बांसवाड़ा का रहा। अगर वर्ष 2023 की बात करें तो इस बार फरवरी में ही उत्तर भारत में मौसम ने अपना गर्म मिजाज दिखाना शुरू कर दिया था। आखिर ये बेमौसम बरसात क्यों हो रही है? दरअसल इस बेमौसम बरसात का कारण पश्चिमी विक्षोभ है जो एक्टिव हो गया है। भूमध्य सागर क्षेत्र से उठे तूफानों के चलते वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हुआ है, जो भारत के 19 राज्यों में बारिश का असली कारण है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मार्च और अप्रैल के महीने में कुल 4 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुके हैं, जिसके कारण बेमौसम बारिश हो रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिणी प्रांतों में बहुत गर्मी पड़ रही है, ऐसे में ध्रुवीय सिरे पर बर्फ पिघलने लगी है, जिससे समंदर का लेवल बढ़ रहा है और तटीय क्षेत्रों में बारिश हो रही है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण पानी का अधिक वाष्पीकरण हो रहा है, जिस कारण बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।